क्या देख रहा है? पापा आईफोन 7 का लॉन्च वीडियो देख रहा हूँ। पिछले साल भी तो लॉन्च किया था इन्होंने। अरे पापा पिछले बार आईफोन 6 लॉन्च हुआ था। बेटा अलग अलग शादी की सीडी देखो तो बात समझ में आती है। अभी एक ही शादी की सीडी बार बार क्यों देखनी है? पापा इसको शादी से कंपेयर मत करो, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। अरे कौन सा इस फोन ने खादी की धोती पहन के अंग्रेज निकाल दिए भारत से? ये वो रेवोल्यूशन है जो तुम्हारा एवोल्यूशन नहीं होने देगा बेटा, समझे? पापा दुनिया में लोग पागल हैं इसके लिए। अभी इनके सीईओ ने खुद बोला है कि दिस इज द बेस्ट आईफोन एवर मेड। ये बात तो शायद इसने पिछली बार आईफोन 6 के लिए भी बोली थी। अब जब ये आईफोन 8 लॉन्च करेगा ना तो भी सेम चीज बोलेगा। आज तक इन गधों को ये पता नहीं लगा है कि बेस्ट है क्या इनके लिए। ऐसी कौन सी रेवोल्यूशनरी कंपनी है जो आज तक बेस्ट इन्हें ढूंढ पाई है? कितने का ये बता? 70 के लगभग आएगा इंडिया में। 70,000? बेटा इस घर की डाउन पेमेंट मैंने 70,000 रुपए करी थी, आज इस घर की वैल्यू 70 लाख रुपए है। ये होती है रेवोल्यूशनरी सोच। पापा ये पहला फोन ब्रांड था जिसने एल्यूमिनियम की बॉडी फोन में लगाई, उसको ये लोग एल्यूमिनियम यूनी बॉडी बोलते हैं। इस कुकर की भी एल्यूमिनियम बॉडी है। अब यूनी बॉडी है पता नहीं, गैस के ऊपर रखो ना कुछ नहीं होने का इसको, पर तेरे आईफोन 7 को रख दो ना तो उसका आई भी नहीं मिलना, समझा? पापा ये लोग हर साल कुछ नया करते हैं। जैसे इस बार फोन को पतला करने के लिए ना इन्होंने वो हेडफोन वाला छेद हटा दिया जो फोन में नहीं होता नीचे, उससे फोन और पतला हो गया। मतलब माल कम करके पैसा बढ़ा दिया भाई। इनके हिसाब से तो आदमी को पतला करना हो तो उसकी तोंद काट दो। तो पापा ये सोचा ना, फोन भी तो लाइट हो जाता है, कितना हल्का हो जाता है फोन पकड़ने में। अच्छा लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो कौन सा तेरा पुराना फोन यूज करने से तेरा कंधा डिसलोकेट हो रहा था है? पापा इस फोन में 2 कैमरा लेंस है कि आपकी कोई भी फोटो की डिटेल मिस ना हो। सोचो बेटा डिटेल वाली फोटो ना बादलों की, घास की, मैदान की अच्छी आती है। अब चेहरे की डिटेल वाली फोटो आएगी तो पिंपल दिखेंगे, निशान दिखेंगे, तिल दिखेंगे, दाग धब्बे दिखेंगे। अब ऐसे 2 लेंसों की भी क्या जरूरत है कि अपने चेहरे से नफरत हो जाए? नहीं चाहिए डिटेल फोटो हमें। अब एक चीज होती है OIS, वो भी इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन। उससे मान लो कि अगर आपके हाथ हिल रहे हैं ना, शेक कर रहे हैं, वो भी आपकी फोटो नहीं हिलेगी, आपकी फोटो बिल्कुल शार्प आएगी। तो फिर तो तेरे दादाजी भी अच्छी फोटो खींच सकेंगे हैं? देख जरा उनको। पापा 3GB रैम है इस फोन में और प्रोसेसर इतना फास्ट है ना, सोचो कितने काम आप एक साथ एक फोन में कर सकते हो। हमारी ऑल्टो का मीटर भी 160 किलोमीटर/आवर दिखाता है। यूज तो हमने 60 से आगे किया नहीं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो यूज करता है ना। पापा बात 70,000 की नहीं है, अपने नाम की भी बात होती है, लोग ब्रांड का पैसा देते हैं। हाँ जैसे तेरी मौसी ने वो नाम के चक्कर में गुड़गांव में घर ले लिया। जीजा जी गुड़गांव इज फ्यूचर सिटी यू नो, वहाँ पे लाइफ है, वो मैनहट्टन बन जाएगा देखना। वहाँ की बिल्डिंगों से बाहर देखो तो व्यू ही अलग है। अब व्यू के नाम पे क्या दिखता है उसको? ट्रैफिक जैम और जाट आंदोलन। क्या पापा एप्पल एप्पल है, यूज करोगे तो पता लगेगा एप्पल क्या चीज है। बेटा 70,000 का तो पता नहीं, पर 70 रुपए का एक ऐसा आविष्कार है, एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो एप्पल का भूत उतार सकता है। क्या चप्पल खाएगा?